राम राम जी, आप लोगों का स्वागत है दादा जी के ढाबा में। दोस्तों, बाजार में तो बहुत सारी सब्जियां हैं और बहुत सारी सब्जी आप परवल का भरवा मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और कभी कभी मन करता है सूखा सब्जी खाने का तो उस तरह भी बन जाता है। हमारे चैनल पे करेला का भी भरवा है, टिंडा का भरवा है, शिमला मिर्च का भरवा है और आज हम परवल का भरवा बना रहे हैं। बहुत आसान तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। इसको लंच बॉक्स में ले जाने का भी कोई दिक्कत नहीं है कि तरी गिर जाएगा लंच बॉक्स में। एकदम आसान तरीके से बताए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं परवल का भरवा बनाना। यहाँ पर हम आधा किलो परवल लिए हैं और परवल बिल्कुल ही कच्चा है, मतलब इसको काट के देखिएगा तो इसका बीज एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। सबसे पहले इसको हम धो लेंगे। परवल भी जहाँ होता है ना, वहाँ खेतों में बालू होता है, मिट्टी नहीं होता, बालू होता है। तो इसको निकाल के हम रख देते हैं इस तरह से धो के। तो परवल को हम धो लिए हैं। ये देखिए जो इसमें दिख रहा है ना, ये मिट्टी नहीं है, ये पत्ते का दाग होता है। तो परवल जब हार्ड होता है ना, अंदर का बीज पक जाता है, तब इसको छीलने की जरूरत होती है। अगर सॉफ्ट है तो छीलने की जरूरत नहीं है। तो एक पीस हम काट के देख लेते हैं कि अंदर का बीज हार्ड है कि नहीं। तो ये क्या करेंगे, इधर से एक कट मारेंगे, एक इधर से कट मारेंगे और बीच में एक कट मारेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा दबाएंगे। तो देख रहे हैं इसमें से बीज हम आपको निकाल के दिखाते हैं। वैसे तो बीज हमें निकालना ही है, लेकिन फिर भी हम बीज निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए इस तरह से हम करेंगे तो इसमें का बीज दिख रहा है कि सॉफ्ट है, तो इसे छीलने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें का बीज आपको निकाल के पहले दिखाते हैं कि बीज है कैसा। इसको आसानी से हम निकालेंगे, चम्मच से आसानी से निकल जाएगा इसका बीज। ये देखिए इस तरह से इसको आराम से निकालना है कि परवल दो टुकड़ा नहीं। ये देखिए बिल्कुल फटा हुआ है ना, चारों तरफ से हम काट के निकालेंगे। और देखिए ऐसे बीज डाल रहे हैं प्लेट में। ये देखिए अब इसका बीज हम चेक करते हैं, इसमें बीज कितना है। ये देखिए बीज है, वो देख रहे हैं, ये पानी जैसा दे रहा है, ये तो मतलब परवल कच्चा है, तो इसको छीलने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ काट के और इसको रखते जाएंगे। सारा परवल इसी तरह काट के और इसका बीज निकाल देते हैं और फिर आपको दिखते हैं। तो एक एक तरफ का बीज एक एक बार में निकल जाता है। ये देखिए अब बिल्कुल परवल अंदर से दिख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर थोड़ा बहुत है तो उसको निकाल दे इस तरह से, और इस तरह से खाली खाली हमें कर देना है। तो परवल का भाजा या भरवा बनाने के लिए चूल्हा जला लिए हैं और कढ़ाई रख दिए हैं। इसी में डालेंगे एक टेबल स्पून सरसों का तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो यहीं पे हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा। इसी में डालेंगे दो टीस्पून बेसन, दो टेबल स्पून बेसन, हम कह रहे हैं दो टीस्पून नहीं, दो टेबल स्पून, और इसको भून लेंगे। आँच बिल्कुल धीरे है। यहीं पर डालेंगे एक टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा किलो परवल के हिसाब से नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और इसे हम बेसन के साथ भून देंगे। मसाला को 3-4 मिनट हम भून दिए हैं बेसन के साथ, अब इसमें से खुशबू आने लगा है। तो यहीं पर डालेंगे जो हमने परवल का बीज निकाल रखा था गुद्दा। बीज एकदम मुलायम है, अगर हार्ड बीज हो तो निकाल के फेंक दें। और इसके साथ इसको हम भूनेंगे, और इस तरह से हम जो गुद्दा है ना उसको इस तरह से हम काटते भी जाएंगे, छोटा भी हो जाएगा और ये थोड़ी देर में ये पानी छोड़ने लगेगा तो पक जाएगा ये। तो 7-8 मिनट इसको सब मिला जुला के हमें पकाना है एकदम बढ़िया से पकने तक, क्योंकि ये हम फिलिंग में डालेंगे ना अंदर, तो फिर ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टेस्ट फिर भरवा का खराब हो जाएगा। मसाला हमारा बढ़िया से भून गया, इसको निकाल देते हैं और धीरे आँच पे ही कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप अगर सब्जी परवल का भरवा बना रहे हैं ना तो खुला पैन ले लीजिए, पैन उसमें बनाइए खुला बर्तन में। हम तो मतलब कढ़ाई में सारी सब्जियां बनाते हैं, इसी वजह से भरवा भी कढ़ाई में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल, थोड़ा ज़्यादा ही तेल चाहिए भरवा के लिए। तेल को एकदम धीरे आँच पर छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर 12 पीस हमारा परवल है आधा किलो में, तो यहाँ पर 12 टुकड़ा हमें होना चाहिए। तो 12 चम्मच अलग अलग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 12 टुकड़ा हमें कर देना है, 8, 9, 10 और 11, 12, मतलब ये इतना इतना लगभग पहले से अंदाजा कर देंगे तो ना फिलिंग बचेगी ना फिलिंग बढ़ेगी। एक परवल लेते हैं, कोई भी एक परवल लेंगे और इसमें इसको उठाएंगे और इससे डाल दें। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं इस तरह से। फिलिंग ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो क्या होगा ना कि ये परवल पकने के बाद सिकुड़ता है तो फिर ओवर हो जाएगा। इस तरह से भर भर के हम इसको रखते जाएंगे, क्योंकि जब परवल पकेगा ना तो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा। फिर जगह अंदर ज़्यादा भर देंगे तो फिर फिलिंग निकल जाएगी,
तो इस वजह से थोड़ा कम फीलिंग भरे तो सारा भर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उधर हल्का तेज गर्म हो रहा है। ये देखिए हमारा सारा परवल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ तेज हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए और इसको इस तरह से हम परवल को रखते जाएंगे। देख रहे हैं तेज बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। आप चाहे तो इसको दो टर्न में ही बना सकते हैं, बड़ा बर्तन भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसी में अलट पलट के इसको क्रिस्पी करेंगे। ये देख रहे हैं ना इस तरह से। बस इसे करना क्या है, हमें एक ऐसा ढक्कन लगाना है, तो ढक्कन लगा के कपड़े से पकड़ के इसको बार बार इसका तेल इस तरह से रोटेट करते रहना है। बस ये चारों तरफ तेल आता रहेगा और ये फ्राई होता रहेगा। तो दो तीन मिनट इसको एक बार पहले पका लेंगे, उसके बाद फिर इसको टर्न करेंगे, फिर दो तीन मिनट पकाएंगे। वैसे हमें 15 मिनट लगेगा तब हमारा ये परवल का भरवा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको एक दो बार फिर बीच में आपको दिखाएंगे जब टर्न करेंगे। तो 3 मिनट पहले पका देते हैं इसको। देख रहे हैं अभी हुआ है मुश्किल से 2 मिनट। देख रहे हैं ये पानी छोड़ दिया है, तो बस अब इसको टर्न करना है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इसको इस तरह से इसको भी उठाएंगे, टर्न कर देंगे। कोशिश करेंगे कि बीच में जो परवल है ना वो किनारे आता जाए और किनारे वाला बीच में जाता जाए, क्योंकि बीच में तेज है। सारा परवल पलट गया, अब ये बीच वाला परवल को खाली हमें उठाना है, और उठा के किनारे रखेंगे ना तो अपने आप ये वाला परवल चला जाएगा अंदर। और इसी तरह हमें परवल के साथ टर्न ओवर करते रहना है, अलटते पलटते रहना है, और इसको कपड़े से बीच बीच में इसको इस तरह से तेल को घुमाते भी रहना है कि चारों तरफ तेल हमारा आता रहे और पकता रहे। आँच लो टू मीडियम रखें। तो देखिए इसको हमें 15 मिनट हो गया है पकाते हुए। आप इसमें चाहें ना तो नमक, अगर लगे कि आपको हल्का सा कम है तो ऊपर से हल्का सा नमक डाल सकते हैं, इसको और भी देखने में टेस्टी बनाने के लिए। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्चा बस, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको एक बार मिक्स कर देंगे ना, तो क्या होगा ना कि जो बाहर के लेयरों में हल्का नमक नहीं होता है, मसालेदार दिखता नहीं है, तो इससे मसालेदार भी दिखेगा। देख रहे हैं अब इसको हम सर्व कर देते हैं। एक को उठाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो हमारा परवल का भरवा बन के तैयार हो गया है, इसको रोटी पराठे के साथ आप खाइए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होता है ना कि प्याज नहीं खाते हैं तो कोई लहसुन नहीं खाता है, तो ये बिना प्याज लहसुन, इसमें अदरक तक नहीं डाला हुआ है। आप चाहे तो अदरक और प्याज बारीक बारीक काट के और इसके फिलिंग में डाल के, भून के डाल के, और उसको भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा परवल का भरवा आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो जरूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी लाल जी का ढाबा। और हमें आप लोगों के लिए क्या क्या बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।